दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है और ऐसे ऐसे भूखे शेरों को मौका दिया जिसे देखकर वेस्टइंडीज टीम के भी पसीने छूट गए हैं। तो दोस्तों बताएंगे आपको कि आखिर दूसरे टी20 मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम में क्या बड़ा बदलाव किया है और किन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। दोस्तों इस टी20 सीरीज का इंतजार पूरा भारत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि पहला ही मुकाबला भारतीय टीम अपने हाथों से गवा देगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे और भारतीय टीम को 150 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि 150 रन बनाना भारतीय टीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहां पर जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां ईशान किशन और सुमन गिल ने अपना विकेट मात्र 28 रन के कुल स्कोर पर गंवा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा पारी को संभाल लेंगे और ये दोनों खिलाड़ी मैच भी जिता कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी साझेदारी जरूर हुई थी। इस बीच जहां सूर्यकुमार यादव 21 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं तिलक वर्मा ने 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा भारतीय टीम की ओर से और कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन नहीं बना सका, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम को इस मैच में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों पहला टी20 मुकाबला गंवा देने के बाद वेस्टइंडीज की टीम इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है और अब वेस्टइंडीज की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में भी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, लेकिन यहां पर वेस्टइंडीज की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि वो भारतीय टीम को 5-0 से इस सीरीज में हराए। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनकी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के आगे हार माने और इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम में एक से बढ़कर एक बदलाव कर दिए हैं। जहां दोस्तों पहले मुकाबले में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन और सुमन गिल से पारी की शुरुआत कराई थी और फिर तिलक वर्मा तो अच्छा प्रदर्शन करके गए, लेकिन संजू सैमसन ने एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन किया और सिर्फ 12 रन ही बना सके। ऐसे में अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब भारतीय टीम का पूरा फोकस इस बात पर है कि वो किसी भी हाल में दूसरे टी20 मुकाबले को जीते, जिसके लिए भारतीय टीम ने पूरी तैयारी कर ली और अब भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज को किसी भी हाल में जीतने नहीं देगी, जिसके लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम में भी बड़ा बदलाव कर दिया है और टीम में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया है जो अच्छा प्रदर्शन करना जानते हैं और ऐसे में अब दूसरे मुकाबले के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बार ईशान किशन के साथ हमें यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूर्यकुमार यादव पिछले मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दूसरे मुकाबले में उनसे अच्छी पारी की उम्मीद होगी, जबकि नंबर 4 पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को मौका दिया है। उसके बाद दोस्तों मध्यम क्रम को मजबूती देने के लिए हार्दिक पांड्या ने नंबर 5 पर सुमन गिल को खिलाने का फैसला किया है, जबकि नंबर 6 पर खुद हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे जो कि अपनी गेंद और बल्ले का कमाल दिखाएंगे। और ऐसे में दूसरे मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन को मौका नहीं दिया है, क्योंकि संजू ने बहुत मुकाबले खेले और एक भी मैच में वो प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाए। इसके अलावा दोस्तों टीम में अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया है, जबकि उमरान मलिक और आवेश खान को भी मौका दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि दूसरा टी20 मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।